Hi friends, this is Ankita Sindhu from Takshila Classes. So today's topic is the excretory system. So let's dive into the topic. So let's start. What is excretion? Excretion basically matlab kya hai? Excretion ka matlab hai removal of toxic waste. Theek hai, main kya keh rahi hu? Toxic waste keh rahi hu. To mera isse kya matlab hai toxic waste se? Ab toxic ka matlab hota hai poisonous, jo harmful hote hai. Yeah, exactly. Agar hamari body mein एक्सक्रीशन का जो वेस्ट है वो रहता है तो वो क्या रहता है हमारे लिए टॉक्सिक रहता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं टॉक्सिक वेस्ट वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी आर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो क्या करती है हमने लास्ट वीडियो में किया था रेस्पिरेशन लंग से हमारी क्या एक्सक्रीट आउट होती है ये क्या एक्सहेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया यूरिया हमारा किडनीज का फॉर्मेशन है किसमें होता है किडनी में आवर लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड किडनी यूरिया ठीक है नेसेसरी टू रिमूव दीज वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज ए एक्युमुलेशन इज पॉइजनस ठीक है ये चीजें कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी ब्लड के लिए इट्स वेरी हार्मफुल ठीक है फिर यूरिया है वो भी हार्मफुल है तो ये क्या है हमारे लिए पॉइजनस है हमारी बॉडी को ये खराब करते हैं किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है अब आप मुझे बताओ एक्सक्रीशन में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं फर्स्ट वन इज किडनी बताया मैंने ऑलरेडी सेकंड क्या है लंग्स हैं थर्ड क्या है स्किन है अब स्किन कैसी है स्किन इज अ ऑर्गन अगर देखा जाए सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का क्या है स्किन है ठीक है स्किन कैसे रिमूवल में हेल्प करते हैं स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ऑयल ग्लैंड्स हैं तो ये रिमूव करते हैं ना स्वेट को तो इसलिए ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यस स्किन इज आल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन सो नेक्स्ट इज वी ऑल ऑब्टेन आवर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज व्हिच आर लेटर डाइजेस्टेड मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी मेटाबोलाइज का क्या मतलब है मेटाबॉलिज्म क्या होता है डाइजेशन डाइजेशन की पावर को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट हो मतलब फूड को डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म सो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना खाते हैं ऑयली फूड होता है ठीक है और क्या क्या होता है हाई फाइबर फूड होता है फैटी फूड होते हैं उन सबका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है जैसे वाटर है वो एक मिनट भी नहीं लेता हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए ठीक है तो हर एक का अलग अलग है So next is this. This is a basic structure of what? Excretory system. So हमें क्या क्या करना है ये हमारी क्या है Kidneys है left kidney and right kidney, renal artery, vena cava, dorsal aorta, urinary bladder, urethra, ureter, right kidney, adrenal glands. ये basic structure है इसको इतना सिर्फ तुम्हें क्या नाम याद करने हैं ठीक है तो अभी हम सीक्वेंस में नाम करेंगे ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है ठीक है सो नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स क्या है किडनी तो है जो हमने मेन एक्सक्रीशन करना है वो किडनी है हमने यूरेटर्स देखा था अभी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ये सीक्वेंस है 1, 2, 3 and 4 दिस इज अ सीक्वेंस किडनी यूरेटर यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये फोर जो है वो सीक्वेंस में लगे हुए हैं अब बताओ पहला क्या आ गया यूरेटर ठीक है जो हमें दिख रहा है किडनीज तो है ही यूरेटर ठीक है फिर क्या है यूरिनरी ब्लैडर फिर क्या है यूरेथ्रा सबसे एंड पार्ट है सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है किडनी फिर यूरेटर फिर यूबी फिर यूरेथ्रा ठीक है सो नेक्स्ट क्या है किडनी किडनी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं एक बार देख लेते हैं किडनी का हमें सबको पता है किडनी क्या है बीन शेप्ड है शेप कैसी है किडनी की बीन शेप्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है इजी है ठीक है करना ही करना है प्रोटेक्टेड बाय रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक मैं ऐसे खड़ी हूँ ऑब्वियसली हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था रेस्पिरेशन पढ़ा था जिसमें जो लंग्स थे वो किससे कवर्ड थे रिब्स से थे तो ये भी तो वही है ये भी तो किससे कवर है रिब्स से या मसल से ठीक है किडनीज हैव एन इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है ठीक है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर है
तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हीलियम. क्या बोलते हैं? हीलियम, जिसके थ्रू नर्व्स जो है वो क्या करती है हमारे किडनी में एंटर करती है. इनर सर्फेस ऑफ द हीलियम हैव लार्ज फनल शेप्ड रेनल पेल्विस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेनल पेल्विस. किसके अंदर है? हीलियम के अंदर. क्या है? रेनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैल्सीज. रेनल हीलियम के अंदर क्या है? रेनल पेल्विस है और उसके अंदर क्या है? कैल्सीज है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनल पेल्विस? रेनल पेल्विस का फंक्शन है यूरिन को पास करता है. यूरिन पैसेज, ठीक है. इसका फंक्शन क्या है? यूरिन पैसेज किसको करता है? यूरेटर को. किसको? यूरेटर. ठीक है, फंक्शन पता चला रेनल पेल्विस का. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो जो है, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन इज दिस, ये आपको बहुत ही कम दिखाए जाते हैं क्योंकि इनका इतना कोई मेन इशू नहीं होता. ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ही रेयर डायग्राम्स में आपको ये दोनों शो किए जाते हैं. ठीक है, कैलिस का क्या फॉर्मेशन है? इसका भी क्या है? यूरिन पैसेज का. इसका भी क्या है? यूरिन पैसेज का. आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? सपोज करो ये दे देते हैं, कैल्सीज दे देते हैं, आपसे पूछ लेंगे ये किस ऑर्गन का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, ठीक है, या रेस्पिरेटरी, कौन से सिस्टम का पार्ट है, या फिर किस ऑर्गन का पार्ट है, किडनी का है, हार्ट का है. तो बेसिकली हम इसको हार्ट के साथ वो कर देते हैं, मिसकंसेप्शन में ले लेते हैं. सो नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर किसका है? किडनी का है. ठीक है, अब देख लेते हैं किडनी में. रेनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, आउटर कवरिंग. ठीक है, फिर है रेनल मेड्यूला, फिर जो इनर पार्ट आ गया, माइनर कैलिस जो हमने क्या इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कैल्सीज. ठीक है, रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी का क्या मतलब है? रेनल वेन. वेन से क्या पता चलता है? हमने क्या कैरी करना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या करना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड. कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड. तो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन कर रहा है? रेनल आर्टरी. ब्लड कौन कैरी कर रहा है? रेनल आर्टरी. और ब्लड किस वेन से वापस जा रहा है? रेनल वेन से. किस वेन से? रेनल वेन से. फिर है हमारा यूरेटर. ठीक है, ये एक था बेसिक स्ट्रक्चर. सबसे पहले आउटर लेयर का क्या नाम है? रेनल कॉर्टेक्स. फिर मेड्यूला है, फिर कैलिसेस है, फिर आर्टरी है, वेन है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, यूरेटर है. ठीक है, ये समझ आया? आर्टरी से ब्लड आ रहा है किडनी में और वेन से ब्लड एग्जिट कर रहा है. ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? बेसिकली हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किस में हेल्प कर रहा है? यूरिन फॉर्मेशन में. किस चीज में हेल्प कर रहा है? यूरिन फॉर्मेशन में. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन. डू रिमेंबर दिस टर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये टर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है कि यूरिनेशन, सॉरी यूरिन फॉर्मेशन, या फिर इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन. व्हाट डज इट वी कॉल इट? मैच्योरेशन. फिर है स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. हमने किडनी पढ़ लिया, बीन शेप्ड है, कैलिक्स है, ठीक है, रेनल आर्टरी है, वेन है, मेड्यूला है, कॉर्टेक्स है, हमने सब पढ़ लिया. अब किडनी में ऐसा क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सबसे इंपॉर्टेंट? ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर देखो, हमने अभी अभी किया था रेनल पेल्विस, हमें मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है, रेनल पेल्विस का क्या फंक्शन था? ये किसको यूरिन पास कर रहा है? यूरेटर को. किसको पास कर रहा है? यूरेटर को. कैल्सिस भी किसको कर रहे थे? किसको पास कर रहे थे? यूरेटर को. ठीक है, तो किडनी के अंदर कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको यूरिन फॉर्मेशन की तरफ लीड करता है? सो दैट इज तीन पार्ट है इसके, कैप्स्यूल, नेफ्रॉन, हेनली लूप्स. क्या है? कैप्स्यूल, नेफ्रॉन, हेनलीज लूप. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लूप ऑफ हेनली इज वेरी इंपॉर्टेंट. बर्मन कैप्सूल इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके अभी अभी मैंने क्या बताया था एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रोडक्ट क्या है यूरिन है इट्स अ वाटरी सब्सटेंस क्या है ये वाटरी सब्सटेंस है ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ द किडनी इज यूरिन ठीक है वाटरी सॉल्यूशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं यूरिन में यूरिन किस किस चीज की कॉम्बिनेशन से बना है सॉल्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन यूरिक एसिड यूरिया यूरिक एसिड रिजल्ट्स फ्रॉम किससे है न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड से है ठीक है उसकी डिकम्पोजिशन से हमारी यूरिक एसिड बन रही है फिर क्या है यूरिया यूरिया कहाँ से बन रहा है अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन इन लीवर से हमारा क्या है यूरिया है ठीक है ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द किडनी किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट कौन लेके आ रहा है यूरेटर कौन लेके आ रहा है यूरेटर कहां से वेस्ट प्रोडक्ट ला रहा है किडनी से फिर यूरेटर किसको पास कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को ठीक है और यूरिनरी ब्लैडर किसको पास करेगा यूरेथ्रा को करेगा तो यूरिनरी ब्लैडर के पास जब यूरिन आ रहा है तो उसका क्या मतलब है या तो उसको स्टोरेज के लिए रखें ठीक है कि फॉर्म हो चुका है अब वहां थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगा ठीक है या फिर अब किसी को वॉशरूम जाना है ठीक है तो ये वहां पे एक्टिव हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा तो यूरिन क्या हो जाएगा पास हो जाएगा ठीक है समझ आई इतना वाटरी सब्सटेंस है यूरिन उसका प्रोडक्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का किस किस चीज की कॉम्पोजिशन से वो बनाए सॉल्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन कंपाउंड है यूरिक एसिड है यूरिया है यूरिक एसिड किस चीज की फॉर्मेशन है किस चीज से बना न्यूक्लिक एसिड डीकम्पोजिशन से बना यूरिया कहाँ से आया है लीवर से आ रहा है ठीक है और किडनी से कौन वेस्ट कैरी कर रहा है यूरेटर्स यूरेटर किसको पास करेंगे यूरिनरी ब्लैडर को फॉर द स्टोरेज और द रिलीज ऑफ द यूरिन सो नेक्स्ट क्या है हमने कैप्सूल पढ़ा फिर हमने क्या है नेफ्रॉन है हमारा दूसरा पार्ट और तीसरा क्या था लूप ऑफ हेले सो हेयर इज नेफ्रॉन ये स्ट्रक्चर है हमारे नेफ्रॉन का जो कि हमारी किडनी में प्रेजेंट होता है बहुत ही इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं फंक्शनल और द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी सो दिख रहा है आपको पहला प्रॉक्सिमल ट्यूबल बोमेंस कैप्सूल वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोमेरुलस वेरी इंपॉर्टेंट लूप ऑफ हेले वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टल ट्यूबल वैसा रेक्टा एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट नॉट सो इंपॉर्टेंट बट काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन पॉइंट्स हैं बोमेन कैप्सूल्स ठीक है ग्लोमेरुलस लूप ऑफ हेले दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी एज आई टोल्ड यू फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन सो नेफ्रॉन प्रोड्यूस यूरिन एंड इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ होमियोस्टेसिस What does this word mean or term means? Homeostasis is a very important term, scientific term है homeostasis. अब जैसे मैं हूँ ठीक है अभी मैं अपने एरिया की जो environment है मैं उसमें ढल चुकी हूँ ठीक है मैं पोल्स पे जाऊंगी मैं वहां पे भी सर्वाइव कर लूंगी राइट फिर मैं एंटार्क्टिक में जाऊंगी क्या पता मैं वहां सर्वाइव कर लूँ इक्वेटर के पास जाऊंगी मेरी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगी तो उसी को बोलते हैं homeostasis. ठीक है जो अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेता है तो वो वर्ड का ये मतलब है ठीक है होमियोस्टेसिस द अपर एंड ऑफ द ट्यूब्यूल्स इज एन एनलार्ज कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर क्या है बोमेंस कैप्सूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द ट्यूब्यूल कॉइल्स फॉर्म प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड देन फॉलोज किसको फॉलो कर रही है वो लूप ऑफ हेले वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फिर क्या हमने कलेक्टिंग डक्ट करना है ठीक है कलेक्टिंग डक्ट विद इन द बोमेन कैप्सूल इज कॉइल्ड वॉल कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस सपोज दिस इज बोमेन कैप्सूल इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है जिसको क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस क्या बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस The blood from the renal artery enters the glomerulus. The force of the blood pressure induced plasma pass through the walls. Okay?
of the glomerulus pass through the walls of Bowman capsule, flow into the proximal tubule. Bowman capsule में glomerulus में क्या होता है? जो blood carry करती है, वहाँ पे blood capillaries वो बहुत force enter करती हैं. वहाँ पे RBCs जो हैं, RBCs और called blood cells जो होते हैं, वो pass नहीं होते. Pressure से वो pass नहीं होंगे, वो वहीं रहेंगे. ठीक है, वो बहुत forcefully कहाँ? किस में? Bowman capsule में बहुत forcefully आ रहे हैं. ठीक है, तो वो कहाँ पास हो जाएंगे? PCT में, proximal tubule में वो enter कर जाएंगे. और वो किसको follow करते? वो follow करती है loop of Henle. ठीक है, फिर वो वहाँ जाएंगे. ठीक है, proximal tubule followed by loop of Henle, तो वो वहाँ चले जाएंगे. Salt, glucose, amino acid and other useful compounds flow back through the tubular cells into the blood by active transport. मैंने अभी अभी बताया था, जो blood cells होते हैं वो वहीं पे रह जाएंगे, वो बाहर आगे pressure से वो नहीं जाएंगे. Osmosis and the activity of hormone assist the movement. Osmosis का क्या मतलब होता है? जब low to high जाते हैं, मतलब जब solvent जो होता है, solvent किसको cross करता है? Semi Semi-permeable membrane को जब वो cross करता है, मतलब उससे उसके through pass होता है, तो वो होता है osmosis. क्या होता है? Osmosis. ठीक है. The blood fluid then flows through the loop of Henle into distal tubule. सबसे पहले कहाँ गया? Capsule में गया, Bowman capsule में. फिर कहाँ गया? Proximal tubule में. फिर कहाँ गया? लूप ऑफ हेनले में. ठीक है, और अब कहां पहुंच चुका है? डिस्टिल ट्यूबल में. कहां गया? डिस्टिल ट्यूबल में. सॉल्ट्स, वाटर, अदर यूजफुल मटेरियल फ्लो बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो वापस अपने ब्लड स्ट्रीम में चली जाएंगी, वो आगे यूरिनेशन में नहीं आएंगी. यूरिनेशन प्रोसेस में वो चीजें नहीं आएंगी. क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है. Homeostasis is achieved by this process. Selected amount of hydrogen, ammonium, sodium chloride and other ions maintain the delicate salt balance in the body. अगर हर चीज रिमूव हो जाएगी हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस नहीं कर पाएगी. क्यों नहीं कर पाएगी? कुछ है नहीं उसको बैलेंस करने के लिए. तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो वापस कहाँ चली गई? ब्लड स्ट्रीम में चली गई. और वेस्ट जो है बाहर आगे वो बैलेंस हो जाता है, हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस. तो होम्योस्टेसिस यहाँ से क्या हो रही है? हम उसको अचीव कर रहे हैं. द फ्लूइड मूविंग फ्रॉम द डिस्टल ट्यूबल एंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट. वहां से वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है. अब प्रोसेस कंप्लीट होके वो कहाँ आ गया है? कलेक्टिंग डक्ट में आ गया है. द यूरिन फ्लोस थ्रू द यूरेटर्स टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर से कहाँ गया? यूरिनरी ब्लैडर. वहां से कहां जाएगा? यूरेथ्रा में. ठीक है, तो यूरिन कहां गया? यूरेटर्स में. फिर कहां गया? यूरिनरी ब्लैडर में. व्हेन द ब्लैडर इज फुल द यूरिन फ्लोज थ्रू द यूरेथ्रा टू द एक्सटीरियर. मतलब अब यहां पे क्या हो गया? वो रिमूव हो चुका है. क्या हो चुका है? अब रिमूव हो चुका है. फॉर्मेशन भी हो गई. ठीक है, फॉर्मेशन कहां हुई है? किडनी में हुई है, नेफ्रन में हो रही है. वहां पे फॉर्मेशन नेफ्रन से हो रही है. क्यों? क्योंकि नेफ्रन में बॉमन्स कैप्सूल है, वो फोर्सेप जो है वो ब्लड आता है. जो इंपॉर्टेंट चीजें वो वहीं रह जाती है. अगर स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट रह जाता है तो वो आगे क्रॉस ही नहीं करेगा, वहीं से ब्लड स्ट्रीम में वापस चला जाएगा. जो वेस्ट रह गया फिर वो कहां जा रहा है? बॉमन कैप्सूल से पीटी में जा रहा है, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीटी में जा रहा है, फिर सीटी में जा रहा है. राइट, ठीक है. फिर और वहां से फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा. कंट्रोल ऑफ किडनी. ह्यूमन प्रोड्यूस हार्मोन लाइक एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADH हार्मोन बोलते हैं. ADH वैसोप्रेसिन सुना है, ये वही है, ये वाटर लेवल को हमें मेंटेन करता है हमारी बॉडी में. किसके थ्रू सिक्रीट होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू. ये हम वहां पे भी पढ़ेंगे जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे. ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये हमारी बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है. ठीक है. It regulates the amount of urine by collecting the rate of water absorption in nephron tubule.
ठीक है. Some individuals suffer from condition in which they secrete very, very low amount of ADH. This is a very important point, followed by more important points. ठीक है. The result is the excessive urination. और इस disease को क्या बोल रहे हैं? Diabetes insipidus. ठीक है. जब ADH की जो secretion है वो बहुत low होती है तो diabetes insipidus हो जाती है. ठीक है. Important है ये वाली diabetes insipidus कैसे होती है? By the low secretion of ADH antidiuretic hormone. ठीक है. Unrelated form of diabetes, diabetes mellitus is widespread. एक और diabetes होती है उसको बोलते हैं diabetes mellitus. लेकिन हमारे लिए यही important है क्योंकि एक disease है हमारी kidney की. So next is, people with these disease produce insufficient level of insulin. Insulin normally transports glucose molecule into the cell, but when insulin is not available, the glucose remain in bloodstream. ठीक है. अब insulin की secretion नहीं होगी तो हमारी glucose bloodstream में ही रहेगी. The glucose is removed from the bloodstream in the nephron to dilute glucose, and the nephron remove large amount of water from the blood. तो क्या आएगा? Urine बहुत ज़्यादा आएगा. Diabetes में कहते हैं ना, urination की process बहुत ज़्यादा fast हो जाती है. बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता बार बार. वॉटरी सब्सटेंस की जो यूरिन है वो उसकी फॉर्मेशन ही ज़्यादा होती है. ठीक है. तो किस चीज़ की वजह से? वो ग्लूकोज की वजह से, इंसुलिन की वजह से है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज, हॉर्मोन्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड ऑल्सो कंट्रोल्स द कंटेंट ऑफ यूरिन. ठीक है. हॉर्मोन्स इसकी जो कंटेंट है यूरिन की, मतलब यूरिन कॉम्पोजिशन, उसको भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. दे इफेक्ट द वाटर बैलेंस इन द बॉडी बिकॉज वाटर फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ हाई सोडियम एंड द क्लोराइड कंटेंट. ये इंपॉर्टेंट है इसमें. एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? एक्सक्रीशन का फॉर्मूला है, एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्सॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन. ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट डाउन करना है, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज abnormalities इन द यूरिन कॉम्पोजिशन. ठीक है. अब आप इसको लर्न कैसे करोगे? इतनी सारी डिजीज हो गई है, चार पांच तो है, तो ये लर्न कैसे करोगे? वेरी सिंपल. हीमाटूरिया. हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड से रिलेटेड है, तो ये भी किस चीज से रिलेटेड होगी? व्हेन ब्लड इज फाउंड इन यूरिन. फिर है पायरिया. पायरिया से आप याद करना, पस, मतलब जब पस की फॉर्मेशन होती है यूरिन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लाइकोसूरिया. ग्लाइको से पता चल रहा है ग्लूकोज. ठीक है. जब द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ये इनक्योरेबल है. दिस डिसीज इज इनक्योरेबल. ठीक है. फिर है प्रोटीनूरिया. प्रोटीन से पता चल रहा है, जब प्रोटीन आता है यूरिन में, मतलब प्रोटीन के ट्रेसेस फाउंड होते हैं, तो उसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं. हिमाटूरिया मतलब हिम से याद कर लो ब्लड. पायरिया पस. ग्लूकोसूरिया ग्लूकोज. प्रोटीनूरिया प्रोटीन. सो हियर आर सम क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स. सो हियर आर सम क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद देम. द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बाय द ह्यूमन बॉडी आर, ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, बोथ ए एंड बी एंड ओनली बी. तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिमूव कर रहा है? लंग्स. यूरिया लीवर. तो दोनों हुए, तो आंसर इज बोथ ए एंड बी. विच ऑर्गन इज इन द ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड? लंग्स ऑब्वियसली. ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स. एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है. क्या है? नेफ्रॉन. विच वेसल्स कैरी ब्लड टू द किडनी? किडनी से ब्लड कौन, किडनी में ब्लड कौन ला रहा है? रेनल आर्टरी. वेन्स उसको लेके जाती है, आर्टरी उसको लेके आ रही है ब्लड को. द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर इज लॉन्ग टर्म. डायलिसिस होता है, वो भी किडनी के लिए होता है. किडनी ट्रांसप्लांट है, वो भी किडनी के लिए. तो आंसर क्या है इसका? ओनली बी या बोथ ए एंड बी? तो आंसर इज ओनली बी. लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ये, कि वो पर्सन जिसको किडनी फेलियर है वो ठीक हो जाए. ठीक है. तो इसका आंसर होगा किडनी ट्रांसप्लांट, ओनली बी.
What type of nitrogenous waste are secreted by the living organisms? Ammonia, जिसको हम ammonotelic बोलते हैं. Ammonotelic. Urotelic. Uricotelic. तो आंसर क्या होगा? All of the above. Hope so आपको समझ आया हो. Thanks for watching this video. Please do subscribe, like and comment on our video to keep us motivated. Thank you so much.